हेलो एंड वेलकम फोक्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में ट्रिप डायरीज़ की। अब आज की हमारी ट्रिप है वो है वापस से डेक्कन व्हील्स की। एज यू नो इट इज़ अ प्रीमियम प्री ओन्ड कार शोरूम इन शिवाजी नगर एरिया इन पुणे। हमेशा की तरह यहाँ की कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल्स जो है मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। और अगर आपको ये गाड़ियाँ पसंद आती हैं तो आप यहाँ आ जाइए, इनसे कनेक्ट कर लीजिए। एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद वेल नेगोशिएशन वगैरह जो भी आपको करना है वो कर लीजिए, और जब आपको जमता है तो उसके बाद फेडल इनसे लेकर बिल्कुल जा सकते हैं। सो आज हम इनके करंट स्टॉक में से कुछ गाड़ियां देखने वाले हैं, एसयूवी सेगमेंट की स्पोर्ट्स कार भी है और साथ ही साथ जो है इसमें आपको एक सेडान भी हम देखने वाले हैं। सो चलिए जानते हैं गाड़ियों की डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरीज की नेक्स्ट कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमारा हैंडल है @tripdiary, दैट इज TRIPDIARIE। जी हाँ, TRIPDIARIE। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली गाड़ी है BMW M6 ग्रैंड कूपे। अब दिस इज 2014 रजिस्ट्रेशन एंड MH12 पासिंग की गाड़ी है। इट हैज डन ओनली 13,000 किलोमीटर्स एंड दिस इज अ सेकेंड ओनर व्हीकल। दोस्तों अब बात करें अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको मिलता है 4.4 लीटर का 8 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 560 BHP की पावर एंड 680 जी हाँ 680 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इंजन स्पेसिफिकेशंस आर मैसिव, बहुत शानदार गाड़ी है चलाने में। अब ये बहुत कम भी है इंडिया में, M6 जो है आपको यूजुअली रोड पे देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर इसके ड्राइव टेरेन की बात करें तो दिस इज रियल व्हील ड्राइव। अब इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इट इज अराउंड क्लोज टू 250 किलोमीटर पर आवर एंड 0 to 100, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 0 to 100 ये गाड़ी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4.2 सेकंड्स में टच कर लेती है। जी हाँ, इट डज 0 to 100 इन 4.2 सेकंड्स ओनली। एंड यू गेट 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन हेयर विद स्पोर्ट्स मोड एंड पेडल शिफ्टर्स ऑब्वियसली। अब जो एक्सटीरियर कलर है इस गाड़ी का वो है वाइट एंड इंटीरियर इज डुअल टोन, वाइट और ब्लैक का मिक्स है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देता है इस गाड़ी को। अब वारंटी जो है इसकी अभी नहीं है दोस्तों, सर्विस पैक भी कोई वैलिड नहीं है इसमें। साथ ही साथ आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। अब नाउ दिस इज अ सेकंड ओनर व्हीकल एंड जो इसका आस्किंग प्राइस है यहाँ पे वो है 63.5 लाख प्लस TCS। जी हाँ, 63,50,000 रुपये प्लस TCS। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं डेक्कन व्हील्स की, उनसे कनेक्ट कर दीजिए एंड हैव अ फेयर नेगोशिएशन विद देम। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस गाड़ी का आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। तो ये थी हमारी BMW M6 ग्रैंड कूपे, चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये हमारी अगली गाड़ी विच इज अ सेडान। नाउ दिस इज मर्सिडीज बेंज C200। जो लेटेस्ट शेप जो है गाड़ी का वो है ये दोस्तों, इट इज 2022 मॉडल। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एंड रजिस्ट्रेशन इसका 2022 नवंबर का ही है। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है अराउंड 201 BHP की, जी हाँ 201 BHP की पावर एंड 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब ये गाड़ी जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो MH14 है। यू गेट योर 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन हेयर एज वेल विथ पैडल शिफ्टर्स। इंटीरियर की अगर बात करें तो इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग और काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इट इज़ मोर ऑफ अ मिनी एस क्लास जो है आपकी वो है यहाँ पे। अब एक्सटीरियर कलर जो है इसका वो है मोहावे सिल्वर एंड इंटीरियर इज टैन। बात करें अगर वारंटी की तो इसकी वारंटी जो है वो नवंबर 2025 तक वैलिड है दोस्तों। सर्विस पैकेज जो है वो इसका भी अवेलेबल नहीं है। किलोमीटर्स की बात करें तो इट हैज़ डन मेयरली 13,000 किलोमीटर्स ओनली। जी हाँ, सिर्फ 13,000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है। साथ ही साथ में इसका जो नंबर ऑफ ओनर है वो सिंगल ओनर गाड़ी है दोस्तों। सो अब यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस जो है इट इज़ अराउंड 59.9 लाख रुपीज़ प्लस TCS। जी हाँ, 59,90,000 रुपये प्लस TCS। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप इनसे कनेक्ट कर लीजिए एंड यू गेट फर्दर डिटेल्स फ्रॉम देम। इस गाड़ी का भी अगर आप डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, साथ ही साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है फुल वीडियो का, वो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये थी हमारी मर्सिडीज C200 2022, चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों अब हमारी अगली और आज की आखिरी गाड़ी है द रेंज रोवर वोग लॉन्ग व्हील बेस ऑटोबायोग्राफी। जी हाँ, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, बहुत ही शानदार गाड़ी है दोस्तों। नई गाड़ी जो है लगभग अभी
5 करोड़ रुपए के आसपास की आती है। नाउ दिस इज दी 4.4 लीटर SD V8 वेरियंट ऑफ इट। अब ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये 2019 रजिस्टर्ड गाड़ी है। ट्रांसमिशन की अगर बात कर दूं तो इसमें यू गेट 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद स्पोर्ट्स मोड एंड पेडल शिफ्टर्स। ड्राइव टेरेन की अगर बात कर दूं तो दिस इज ऑल व्हील ड्राइव। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात कर लें तो इसमें आपको मिलता है 4.4 लीटर का टर्बो चार्ज 8-cylinder डीजल इंजन जो कि जनरेट करता है अराउंड 335 BHP के पावर एंड 740 न्यूटन मीटर्स ऑफ मैसिव टॉर्क। सो इंजन स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है और इतनी भारी गाड़ी होने के बाद भी अंडर 10 सेकंड्स में आपका 0-100 टच कर जाती है। काफ़ी शानदार गाड़ी है दोस्तों। जो अटेंशन टू डिटेल है रेंज रोवर में और खास तौर पे वोग में, ऑटोबायोग्राफी में, वो बहुत ही शानदार है। नाउ दिस इज MH02 पासिंग और इसका जो नंबर है वो VVIP नंबर है, चॉइस नंबर जिसको बोलते हैं वो है। बात करने अगर किलोमीटर्स की तो इट हैज़ डन अराउंड 35,000 किलोमीटर्स ओनली। नंबर ऑफ ओनर्स की बात करें तो इट इज़ अ सिंगल ओनर व्हीकल। अब इसकी वारंटी जो है वो वैलिड नहीं है और सर्विस पैक भी है वो भी खत्म हो चुका है। इंश्योरेंस जो है इसका 0 DEP इंश्योरेंस वैलिड है टिल जनवरी 2024। एक्सटीरियर का अगर आप देख ही सकते हैं कि ब्लू है एंड द इंटीरियर इज आइवरी। कुछ और फीचर्स की बात कर लें तो इसमें आपको जो सीट्स हैं फ्रंट एंड रियर की वो 24-way एडजस्टेबल सीट्स इसमें आपको मिल जाती हैं। अब इसमें आपको 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, 360-degree कैमरा पैकेज मिल जाता है, ऑटो रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फुट स्टेपर मिल जाता है, टेलीमैटिक्स SOS असिस्टेंस कॉल का फीचर मिल जाता है, हेड्सअप डिस्प्ले मिल जाता है, नेविगेशन पैकेज है, मिरर पैकेज है एंड देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फीचर्स दैट यू गेट। बात करते हैं मुद्दे की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे इसका आस्किंग प्राइस है 2.39 CR प्लस TCS। जी हाँ, 2,39,00,000 रुपये प्लस TCS। इस गाड़ी को आप खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में है ही, आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए। हैव अ नेगोशिएशन विद देम, हैव अ टेस्ट राइड विद देम, देन एक फेयर डील आप लेके जा सकते हैं। अब इस गाड़ी का भी दोस्तों अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, कार कुंडली चैनल पे इस का भी डिटेल वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जिस तरीके से आपने ट्रिप डायरीज को सपोर्ट दिया है, साथ ही साथ आप कार कुंडली चैनल को भी जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि कार स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, नई गाड़ियों के रिव्यूज, ओनरशिप रिव्यूज उस पर आते ही रहते हैं। सो दोस्तों, ये थी डिटेल्स हमारी रेंज रोवर वोग लॉन्ग व्हील बेस ऑटोबायोग्राफी की। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरीज की नेक्स्ट कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करें। आप साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों गांव पे हमारा हैंडल @ ट्रिप डायरी, दैट इज TRIPDIARIE। अब दोस्तों, इन गाड़ियों के डिटेल्ड रिव्यूज जो हैं और जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो कार कुंडली चैनल पे अपडेट हो चुके हैं, उनका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वो डिटेल्ड वीडियो भी वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब अपना यूं ही ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रिप डायरीज, मिलते हैं अगले वीडियो में।